नमस्कार सिमरन, और आप देख रहे हैं मैं भारत सिंह। डालते हैं ताज़ा खबरों को फटाफट अंदाज में। राजधानी लखनऊ में सुबह सपा के राष्ट्रीय और प्रादेशिक पदाधिकारियों ने निषाद पार्टी की सदस्यता ली। वहीं दौरान निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद भी मौजूद रहे। वाराणसी में रंगभरी एकादशी के मौके पर भगवान शिव शंकर माता पार्वती का गौना लेकर काशी विश्वनाथ पहुंचे। इस अवसर पर भक्तों ने उनके साथ खूब धूमधाम से होली खेली। माता पार्वती के गौने के दौरान ढोल नगाड़े के साथ साथ खूब जश्न मनाया गया। इस दौरान विश्वनाथ गली में महंत आवास से लेकर मंदिर परिसर तक 15 मिनट की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हरदोई के सनीला में आगामी त्योहारों को लेकर पीस कमेटी की बैठक की गई। जहां एसडीएम ने लोगों से शांति व्यवस्था के साथ त्योहार मनाने की अपील की, साथ ही हुड़दंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। संभल में पिता और बेटी के रिश्ते को संसार करने वाला मामला सामने आया है। जहां पिता ने शराब के नशे में अपनी 13 साल की बेटी को हवस का शिकार बना लिया, वहीं मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही मां ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है। प्रतापगढ़ में गंगा नदी में नहाते वक्त 3 लोग डूब गए। वहीं नदी किनारे मौजूद लोगों के शोर मचाने पर अन्य लोग राहत बचाव में जुट गए। इसके बाद एक युवक के शव को बरामद कर लिया गया है, जबकि अन्य 2 मासूमों की खोजबीन जारी है। आपको बता दें कि तीनों हरदोई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कन्नौज में आगामी त्योहारों को देखते हुए छापेमारी जारी है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की है। इसी दौरान शराब और लहन को नष्ट कर दिया गया। फिरोजाबाद के टूंडा इलाके में बदमाशों ने बंदूक की नोक पर पशु चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं ग्रामीणों को विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फिलहाल इस घटना के बाद से इलाके में पुलिस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सुल्तानपुर के जिला अस्पताल में राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संघ के तत्वाधान में निशुल्क रसोई का शुभारंभ कर दिया गया है। जहां अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों और तीमारदारों को निशुल्क भोजन देने की शुरुआत की गई है। प्रतापगढ़ के मानधाता थाना क्षेत्र में ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि दुर्घटना में घायल शख्स को इलाज के लिए लाया गया था। आगरा में सपा नेता जोगेंद्र सिंह यादव की संपत्ति जब्त की कार्रवाई की गई। जहां कोर्ट के आदेश पर एसडीएम ने पत्नी रेखा यादव के नाम पर करीब 15 बीघा जमीन कुर्क की गई। औरैया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनोखा प्रशंसक देखने को मिला। जहां प्रशंसक पीएम मोदी से मिलने के लिए जमशेदपुर से दिल्ली तक यात्रा की शुरुआत साइकिल से कर दी है। इस दौरान मोदी भक्त ने कहा कि मेरे मन में मोदी बैठ गए हैं, निकल ही नहीं रहे हैं। हापुड़ में झूठी शान के लिए ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। जहां गांव के एक युवक से प्रेम संबंध होने पर युवती के भाई और परिजनों ने हत्या कर शव को जला दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हरदोई के तड़ियावा थाना क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे 2 आरोपियों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोहम्मद हनीफ उर्फ छोटे काजी और मुनीर की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। लखनऊ के रिवर फ्रंट पुल से युवती ने गोमती नदी में छलांग लगा दी। तभी वहां मौजूद गोताखोरों की मदद से युवती को बचा लिया गया और नाव की मदद से बाहर लाया गया। हापुड़ में बदमाशों ने प्लाईवुड कारोबारी के गोदाम और घर पर हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोलकर उन्हें बंधक बना लिया। करीब 45 मिनट तक बदमाश घर में रहे और परिवार के सदस्यों से मारपीट कर करीब 10,000 रुपए, लाइसेंसी रिवॉल्वर और लाखों के आभूषण लेकर फरार हो गए। इसी के साथ ही बदमाश सीसीटीवी और DVR भी लेकर फरार हो गए। आगरा में रंगों के त्यौहार होली को लेकर के रेलवे ने कमर कसते हुए बंद ट्रेनों को शुरू कर दिया है। इसी के साथ ही ट्रेनों के कोचों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। वहीं इस दौरान ट्रेनों के साथ साथ सर्कुलेटिंग एरिया में भी RPF और GRP संयुक्त रूप से असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखेगी। रायबरेली में जगतपुर BRC केंद्र शराब का अड्डा बना हुआ है, जहां कर्मचारियों की शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बागपत में कार की बोनट पर बैठकर युवक पिस्टल लगाते हुए देखा गया। फिलहाल रौला झाड़ने के बनाया गया ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो सिंघावली अही क्षेत्र का बताया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के चौथे टेस्ट मैच से पहले विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रतिष्ठित महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन किए। इंदौर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी है। फिलहाल 4 मैच की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से आगे है। वहीं इंदौर के होलकर स्टेडियम की पिच को लेकर के ICC ने उसे खराब रेटिंग दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे मैं भारत न्यूज। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माई भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माई भारत के साथ।